हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू टीआरएस एग्रो फार्मेसी। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2021 के पेपर के एक्सप्लेनेशन, दो मार्क वाले भी और लॉन्ग आंसर के भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करके आना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल थ्योरी के इतने सारे सब्जेक्ट हैं। क्या क्या? ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके हमने पूरे एक्सप्लेनेशन प्रीवियस दो साल के सारे लॉन्ग वाले भी शॉर्ट वाले करा दिए, उसको आप देख ही रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट आज हम जो देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का, इसका भी पेपर 2021 का इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिए हैं। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अपलोड कर दो, तो उसी के रिगार्डिंग हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2021 का पेपर के साथ लॉन्ग आंसर को भी डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पेपर है 2021 का, पेपर पैटर्न पता है, टोटल 75 मार्क्स होते हैं, तीन सेक्शन बटे होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन ए ही डिसाइड करते हैं हमारे मार्क्स कैसे हमें मिलने वाले, क्योंकि अब आप चेक नहीं लिखोगे तो आपके मार्क, आपके नॉलेज की एनालिसिस उसी अकॉर्डिंग हो जाएगी। ओके, तो सेक्शन ए को जरूर अच्छे से करके आना। पहले सेक्शन ए ही करना है, फिर सेक्शन बी करना, फिर सेक्शन सी करना। मैंने पहले बता दिया कि कापियाँ एक सीक्वेंस से स्कैन की जाती हैं। अगर आप सेक्शन सी पहले कर देंगे तो कापियाँ दो मार्क्स के अकॉर्डिंग चेक हो जाती हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं। तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि दो दो मार्क्स उसमें मिलने हैं। अगर सेक्शन सी पहले करके आएंगे तो उसको भी दो मार्क्स का कंसिडर कर लिया जाता है। तो सेक्शन ए, हाँ, बहुत सारे लोगों को बैक लग जाता है इसी छोटी सी गलती की वजह से, तो सेक्शन ए को पहले करना। ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन आया है। पहला, डिस्क्राइब द टर्म नॉर्मलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, डिस्कस द रोल ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन में इंडिकेटर का क्या रोल है, एक्सप्लेन एसिड बेस एज पर आरएनएस थ्योरी अकॉर्डिंग एसिड बेस को भी एक्सप्लेन करना है, डिफाइन लिमिट टेस्ट को डिफाइन करना है, डिफाइन करना प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस क्या होती है, एक्सप्लोर करना टर्म डाइक्रोमेट्री क्या होती है, राइट करना प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी का प्रिंसिपल लिखना। देखिए जितने भी आपके थ्योरी हैं लास्ट यूनिट फिफ्थ वाले, उसमें जितने भी है ना सारे इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस में पोलरोग्राफी हो गया और उसमें क्या था कंडक्टोमेट्री हो गया, पोटेंशियोमेट्री हो गया, इन सबके स्ट्रक्चर फिगर बना के सबके प्रिंसिपल जरूर याद करके जाना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस और डिफाइन द मेटल इंडिकेटर बी सूटेबल एग्जाम्पल। सारे यूनिट से दो मार्क्स क्वेश्चन लिए जाते हैं, इसलिए सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है, किसी को भी छोड़ के नहीं जाना होगा और क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करके आना। नेक्स्ट, चलो अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन देख लें, लेकिन सेक्शन बी में क्या आया था उसको भी देख लेते हैं पहले। आज इसमें पूछा गया अटेम्प्ट एनी टू पार्ट, मतलब इसमें तीन क्वेश्चन होते हैं, दो पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, एक छोड़ना रहता है। तो जैसा देखिए, पहला पूछा गया कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एरर, एरर कितने टाइप होते हैं। एरर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आएगा। ओके, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा और उसको कम करने का मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर को कम करने के क्या मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन इक्वस टाइट्रेशन का सिग्निफिकेंट लिखना है। ओके, और डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन लेवलिंग इफेक्ट, लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट को आपको एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन भी करना। नेक्स्ट पूछा गया, डिस्कस द डिटेल अबाउट मोहर्स मेथड एंड बोलार मेथड। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में, मतलब एग्जामिनर मतलब इसे ना रखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मोला जो तुम्हारे बोलार मेथड, मोलार मेथड, फजांस मेथड, ये सारे आपको जरूर पढ़ के जाना आएगा इस बार पेपर में, देखिएगा। तो इसके भी तीनों क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में डाल रखें, अभी देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट, सेक्शन सी में क्या पूछा गया, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी छोड़ने होते हैं। जो आसान लगे उसे अटेम्प्ट कर दीजिएगा और टाइम बचाना, जो सबसे कम शब्दों में जल्दी से एक्सप्लेन हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा लिखने के नहीं मिलते हैं, क्योंकि एनालिसिस है, इसमें चीज़ें एग्जैक्ट लिखनी होती हैं। ये एचएपी और कम्युनिकेशन स्किल के जैसा नहीं कि जो मना लिख दो कहानी बना दिया, थोड़ा इसमें एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला पूछा गया, आउटलाइन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस यूज इन फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट पूछा गया, डिस्कस द वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन का न्यूट्रलाइजेशन कर्व, जो अलग अलग टाइप होते हैं, अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे आगे सबके। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन बी सूटेबल एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन करना आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस करना एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट, इलस्ट्रेट करना प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है, ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन ड्रा करना है एंड डिस्क्राइब करना वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड को।
तो देखिए हर यूनिट से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो चलो अब एक एक का फ्रैक्शन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो सेक्शन एक का जो पहला क्वेश्चन था, टर्म नॉर्मलिटी को डिफाइन करना। जैसा कि पता होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम नॉर्मलिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला का पूछा जाए तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इतना लिख के बस छोड़ देना है। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक्यूरेसी क्या होती है, नियर टू ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू के पास रहती है एंड या स्टैंडर्ड वैल्यू के आसपास ही रहती है, इसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसीजन क्या होता है, रिपीटेबिलिटी ऑफ द वैल्यू इज नोन एज प्रिसीजन, कोई वैल्यू बार बार मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसी के आसपास आके रुक रही है, उसी को प्रिसीजन बोल रहा है। एंड मतलब किसी सेम क्वांटिटी के लिए जब कोई वैल्यू आप निकालते हैं तो बार बार उसी वैल्यू रिपीट हो रही है, उसी को प्रिसीजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस द रोल्स ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन, जो टाइट्रेशन करते हैं आप लोग उसमें इंडिकेटर यूज किए जाते हैं एंड पॉइंट में, तो उसको क्या रोल होता है। यहाँ पर देखिए, द रोल ऑफ इंडिकेटर इज टू मोस्टली फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस, पॉइंट को पता करने के लिए किया जाता है व्हेन टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैव रीच्ड टू पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब दो मतलब सॉल्यूशन आपस में न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर जाने वाले होते हैं, उसी को पता करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना एसिड बेस एच पर आरहेनियस थ्योरी। देखिए जितने भी थ्योरी हैं एसिड बेस वाली उसको लर्न करके जाना, हो सकता है लॉन्ग में भी इसको पूछ सकते हैं। ओके, लोरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी वाली भी और लुइस वाली भी और आरहेनियस वाली भी। तो एसिड क्या होते हैं, जैसे पता होगा एसिड खाने में मतलब कैसे टेस्ट में कहते थे सावर टेस्ट होते हैं, और बेस कहते हैं कैसे होते हैं बीटर टेस्ट होते हैं, टच करने में सोपी होते हैं, साबुन जैसे मतलब होते हैं। और एसिड जो होते हैं कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, किसको, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता। ओके, और जब बेस जो होता है कन्वर्ट करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। आगे एसिड जो होता है, एसिड इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस और रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस निकालेगा एसिड। बेस जो होता है गिव करता कैसा कलर, पिंक कलर देता है विथ फिनाफ्थलिन सॉल्यूशन के साथ, भूल जाएगा पी से पिंक, पी से फिनाफ्थलिन। ओके, और एसिड का कलर कौन किसे कन्वर्ट करता भूल जाएगा, इसके याद रखिएगा अनिल, याद रखिएगा एक नाम है अनिल। ओके अनिल, ओके, तो जो हमारा एसिड होता है वो क्या करता है, जो आफर आफर अम्ल होता है, ये फर एसिड को अम्ली तो बोलते हैं, वो नील, नीले को क्या करता है लाल में कन्वर्ट करता है, नील से नीला हो जाएगा, लाल से लाल, अनिल याद रखिएगा। तो यानी ये नीले को लाल में कन्वर्ट कर देगा और इसी का उल्टा हमें बेस करना है, ऐसे याद करने तरीका। नेक्स्ट डिफाइन द लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट आर क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो डिजाइन होता है टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी, जो तो उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं हमारे सब्सटेंस में, उसी को पता करने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है। यूजली लिमिट टेस्ट आप प्रिस्क्राइब किस में प्रिस्क्राइब किया जाता है, PPM में, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, नेक्स्ट डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए क्या होता है, इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ द सब्सटेंस, इसमें किसी सब्सटेंस का वेट मेजर किया जाता है एंड टू एनालाइज फ्रॉम द सॉल्यूशन आफ्टर आइसोलेटिंग बाय द प्रेसिपिटेटिंग द कंपोनेंट, जब उसको प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसको सेपरेट किया जाता है एज ए इनसॉल्युबल कंपोनेंट, इसी को बोला जाता है क्या, ग्रेविमेट्री। ओके, मतलब रिएक्शन कराया जाता है, प्रेसिपिटेट बनाया जाता है, जो प्रेसिपिटेट होता है आपको पता होगा वो इनसॉल्युबल होता है, उसी को सेपरेट कर लेना है, क्या कहलाता है, ग्रेविमेट्री। आगे एक्सप्लोर दी डाइक्रोमेट्री क्या होता है, डाइक्रोमेट्री सिंपल सा, डाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन इज वन इन विच, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करके हम इसमें किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सिंपल सा डाइक्रोमेट्री। नेक्स्ट राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी का प्रिंसिपल बताना है, द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी इज क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोड का स्टडी होता है, प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विद टू इलेक्ट्रोड, वन पोलराइजेबल होता है और दूसरा अनपोलराइजेबल, मतलब दो इलेक्ट्रोड की मदद से एक पोलराइजेबल और एक अनपोलराइजेबल, मतलब एक चार्ज वाला होता है एक विदाउट चार्ज वाला होता है। एंड द फार्मर और जो पोलराइजेबल होता है वो फॉर्म्ड बाई मर्करी के द्वारा रेगुलरली ड्रॉपिंग फ्रॉम कैपिलरी ट्यूब के द्वारा, इसमें मर्करी से रेगुलेशन होता है इसका। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसमें देखिए क्या होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड
केमिस्ट्री इज स्टडी थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, दीज मेथड्स इन्वॉल्व क्या होता है, मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं जैसे करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया या चेंज हो गया, जो डिटरमाइन करता है इनके रिलेशनशिप को विद द केमिकल पैरामीटर के साथ, लाइक कंसंट्रेशन, इन सब के साथ, मतलब सारे जितने भी करंट से पोटेंशियल वाली चीज़ें होंगी इन्हीं को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस से। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन मेटल मेटल आयन इंडिकेटर क्या होता है विद सूटेबल एग्जांपल के साथ। देखिए मेटल आयन इंडिकेटर, इट इज अ कंपाउंड हुज कलर चेंज, जिसका कलर चेंज होता है व्हेन इट बाइंड टू मेटल आयन, जब किसी मेटल आयन से बाइंड करेगा कलर चेंज होगा, एंड इट फॉर्म ए वीक कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन, और ये मेटल आयन के साथ एक क्या बनाएगा, वीक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो सॉल्यूशन में होगा, एंड विच हैज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कलर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले वाले से हट के कलर एक निकाल के लाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल है। इसी को कह रहे हैं मेटल आयन इंडिकेटर, यानी कोई ऐसा चीज जो इंडिकेट कर दे उस मेटल की क्वालिटी को। एग्जांपल जैसे जाइलिनॉल ऑरेंज हो गया। चलो नेक्स्ट सेक्शन बी में हम एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का देखते हैं, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एरर, एरर के अलग अलग टाइप्स बताने हैं, और मेथड फॉर मिनिमाइजिंग एरर, एरर को कम करने के मेथड बताने। तो पहले एरर क्या होता है उसको डिफाइन कर देना। देखिए कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले उसको दो लाइन में डिफाइन करना, ओके, फिर उसको टाइप्स लिखना। तो देखो एरर क्या होता है, इन जनरल टर्म एरर इज एन एक्शन विच मींस मिस्टेक, जिसका सिंपल सा मतलब तो कोई एक ऐसा एक्शन जिसकी वजह से कुछ गलतियां हो जाए उसे एरर कहते हैं। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू या स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में अगर हमारा डिफरेंस आ जाए, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है और एक हमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अपनी एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गलतियां कर देते हैं, तो रिजल्ट जो आता है हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू से हट के आता है, तो तभी तो एरर हो गया, है कि नहीं। हर लैब का एक अपना वहां पर गाइडलाइंस होते हैं, तो उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें मैच कराना होता है, जब मैच नहीं होगा तो हम सिंपल था कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो इसे एरर कहते हैं। नेक्स्ट एरर के सोर्सेस क्या है, जैसे इम्प्रॉपर सैंपलिंग की वजह से हो गई, आप सैंपल लेते वक्त गलती कर दिया, एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन के दौरान आपने एरर कर दिया, एरर बाय एनालिस्ट के द्वारा एरर कर दिया, मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके द्वारा एरर हो गया, एरर बाय इक्विपमेंट, आपने इक्विपमेंट सही नहीं चूज किया, कैलिब्रेशन एरर, जो जिस कंपाउंड का आप मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं सही से कैलिब्रेट नहीं किया, रिपोर्टिंग एरर, आपने रिपोर्ट बनाने समय कुछ एरर कर दिया, कैलकुलेशन के समय एरर कर दिया, और ये दोबारा वही रिपीट हुआ, ये सारे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट मतलब एरर्स हैं इस तरीके से। अब देखते हैं एरर के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए एरर के टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक डिटर्मिनेट एरर और एक इनडिटर्मिनेट एरर होता है। डिटर्मिनेट को सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं और इनडिटर्मिनेट को रैंडम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। डिटर्मिनेट एरर क्या होते हैं अभी उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले इसके टाइप्स जान लेते हैं। तो डिटर्मिनेट एरर के जो क्या क्या हो उसके अंदर किस किस टाइप के डिटर्मिनेट एरर होते हैं, जैसे ऑपरेशनल एरर हो गया, पर्सनल एरर हो गया, इंडस्ट्रियल एरर हो गया, एरर ऑफ द रीजेंट की वजह से एरर हो गया, एरर ऑफ द मेथड की वजह से, एंड एडिशन एंड पर्सनल एरर। ओके, तो चलिए अब डिफाइन कर लेते हैं कि डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर क्या होता है, अभी एक एक को आपको डिफिनीशन लिखते जाना। ओके, तो डिटर्मिनेट एरर क्या होता है, नोन टू एनालिस्ट, एनालिस्ट के द्वारा इसे पता रहता है कि हाँ ये गलतियाँ हो जाएंगी। ओके, और आगे क्या होता है, यूजली वन साइडेड, एक केवल वन साइडेड होता है, एंड प्री प्लानिंग होता है, पहले से प्लान होता है हाँ मतलब ऐसी गलती होनी है। नेक्स्ट, दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड, इस एरर को हम अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इनडिटर्मिनेट एरर, इसमें क्या होता है, दीज आर रैंडम एरर होती है, एंड मे बी नोन एंड नोन या नॉट नोन, कभी कभी पता भी होती है कभी कभी नहीं पता होती है, बट हो जाती गलती। ओके, एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर दिस टाइप ऑफ एरर, मतलब जो एनालिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका कोई इस पर कंट्रोल नहीं होता। ओके, गलती हो ही जाती है। नेक्स्ट, दीज आर नॉट वन साइडेड, और ये वन साइडेड नहीं होता, एंड मे नॉट बी एलिमिनेटेड इवन आफ्टर दी यूजिंग द हाई क्वालिटी ऑपरेटर्स आर हाईली प्योर रीजेंट, यहाँ तक कि इसको अगर एक बार गलती हो गई इसको दोबारा हम सही भी नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा आप एक्सपेरिमेंट रीजेंट यूज कर लो या हाई क्वालिटी का ऑपरेटर ही क्यों ना यूज कर लो, आप उसे सही नहीं कर सकते। तो ये सिंपल था डिफाइन करना। चलो अब जो डिटर्मिनेट एरर के अलग अलग टाइप्स है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला है ऑपरेशनल एरर, इसमें क्या होता है, दीज एरर
डिपेंड अपॉन द एनालिस्ट, एनालिस्ट के द्वारा होता है, जैसे वाशिंग या ओवर वाशिंग, कभी कोई धुलते समय या बहुत ज़्यादा धुल दिया, या ड्राई करे तो बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया, तो एरर तो आना ही है। नेक्स्ट पर्सनल एरर क्या होता है, कॉज ड्यू टू द पर्सनल मिस्टेक, उसके मिस्टेक की वजह से, या केयरलेसनेस, एनालिस्ट के केयरलेसनेस, ध्यान न देने की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें क्या होता है, ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज कर रहे हैं जो डिफेक्टेड है, टूटा उठा, जैसे आपने डिफेक्टिव पीपेड का यूज कर लिया, या अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिया, सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया था पहले से कैलिब्रेट करना किया जाता है। ओके, तो जानवर जो हमारे वायबल लेने आते हैं वो भी पूछ लेते हैं कि मतलब आप किसी एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करते हैं, तो साइंस सिंपल बात है, हर चीज़ का हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। इससे दो दो नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिनर जो पूछते हैं आपको याद रहना चाहिए। एरर ऑफ द रीजेंट, रीजेंट की वजह से, जैसे इट इज़ ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ रीजेंट, आप रीजेंट ले रहे हैं लेकिन रीजेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सम रीजेंट में सप्लाइड इन द इम्प्योर फॉर्म, कुछ रीजेंट इम्प्योर फॉर्म में रह जाते हैं। एरर ऑफ द मेथड, जैसे रॉन्ग मेथड सेलेक्शन, देखो इसमें मैंने एकदम पॉइंट लिख दिया आपको, जो अगर बहुत ज़्यादा मतलब लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसी में दो चार पॉइंट एग्जांपल देखिए आप और बढ़ा सकते हैं, वरना इतना बहुत सफिशियंट है, पूरे पूरे मार्क्स आएंगे इतना लिखने से भी। नेक्स्ट है एडिक्टिव या कांस्टेंट एरर, सम टाइम एरर विल भी कांस्टेंट रहता है जिसकी वजह से एरर मतलब बना ही रहता है हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं एरर को कम करने के क्या तरीके होते हैं, जैसे कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे मैंने यहाँ पर सब एरर को कम करने के हेडिंग्स लिखी है, अगर आपको इसी को एलेबोरेट करना तो इसी को आप लैंग्वेज बना के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, दो दो लाइन तो हो गया ना बड़ा पेपर। तो पहला होगा कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स को सही से कैलिब्रेट करिए, रनिंग है पैरेलल डिटरमिनेशन, उसके साथ एक पैरेलल डिटरमिनेशन आपको रन कराना रहता है, और रनिंग है ब्लैंक डिटरमिनेशन, एक ब्लैंक डिटरमिनेशन भी चलाना रहेगा, रनिंग स्टैंडर्ड या कॉन्स्टेंट भी करना है, एंड डिटरमिनेशन बाई इंडिपेंडेंट मेथड से डिटरमिनेशन करना है, एंड स्टैंडर्ड एडिशन मेथड से भी, एंड एडिशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, इन सारे तरीके से हम एरर को, जो गलतियाँ होती है उसे कम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन के महत्व को, और डिफरेंशिएट करना है लेवलिंग सॉल्वेंट क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होता है विद सूटेबल एग्जांपल के साथ। तो पहले सिग्निफिकेंस जान लेते हैं, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट पोजेस मेनी एडवांटेज होता है व्हेन कंपेयर टू एक्वस सॉल्वेंट, जैसे क्या क्या होता है, पहला द एसिड एंड बेस ऑफ ऑर्गेनिक ऑरिजिन आर इजली सॉल्वेबल होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, पहला फायदा हो गया। दूसरा क्या हो गया, टाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस नॉट इजी टू परफॉर्म इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आसानी से परफॉर्म नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस की वजह से। अगला नेक्स्ट क्या होता है, तीसरा नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व, जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं दो या मोर एसिड में जो हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट होता है, दस गिविंग द डिस्टिंक्ट एंड एंड पॉइंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, इसलिए एंड पॉइंट हमारा अलग अलग तरीके से पता चल जाता है, ये भी एक फायदा हो गया। नेक्स्ट टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर कंपेरेटिवली सिंपलर होता है एंड मोर एक्यूरेट होता है एक्वस सॉल्वेंट की तुलना में, टाइट्रेशन तुलना में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इस कुछ महत्व हैं, आइए डिफरेंस देख लेते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट में। लेवलिंग सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वीक एसिड एक्ट लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो वीक एसिड होता है हमारा ए स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट की मौजूदगी में, एंड वीक बेस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ओके, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट दिस इफेक्ट को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट, एंड द सॉल्वेंट यूज जो होता है उसी को बोलते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस होता है वो लेवल बाय यूजिंग दिस सॉल्वेंट, जैसे कुछ सॉल्वेंट है जैसे इन सब की मदद से, ये सीएल को जो वाटर में डालते हैं एच प्लस आयन क्लोराइड आयन में टूट जाता है, एच डी एस ओ फोर को जो वाटर में डालेंगे तो एच प्लस आयन एस ओ फोर माइनस टू आयन में टूटता है। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। सही बात है, मतलब कि एसिड के स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एसिड को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके लिए हम एक अलग से सॉल्वेंट डालते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है। ओके, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट
वीक एसिड एक्ट एज ए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर एसिड, जो हमारे वीक एसिड होते हैं कैसे ऐड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट एसिड के केस में डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट तरह ऐड करते हैं, और जो वीक बेस होते हैं एक्ट एज ए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर बेस के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे HCl को हमने वाटर में डाला, H+ आयन क्लोराइड आयन में टूट गया, HBr को वाटर में डाला, H+Br ब्रोमाइड आयन में टूट गया, HI को हमने वाटर में डाला, तो क्या हुआ ना, दीज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, ये सारे वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड तरह वर्क करते हो। जो वाटर में H+ आयन देता है वो एसिड होता है, ये तो पढ़े होंगे आप, तो इस सबको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक है, क्योंकि सब H+ आयन दे रहे हैं, है कि नहीं। तो सिंपल था, उसमें क्या डालते हैं, एक ग्लाइसियल एसिटिक एसिड डालते हैं यूज सॉल्वेंट, ये डिफ्रेंशिएट कर देगा इन तीनों सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ को पता लगा देगा अलग अलग। ओके, इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अगला जो सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके आएगा आएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें दो मेथड पूछा गया, मोहर्स मेथड बेलॉर्ड मेथड, लेकिन मैं तीन मेथड को कंपैरिजन करके एक चार्ट बना के यहाँ बता रहा हूँ, अभी ये बस इंट्रोडक्शन चार्ट है। ओके, इससे दिमाग में रखने के आइडिया, और मान लो कभी भूल जाते हैं तो इतना से दिमाग में याद रहेगा हमें पूरा लॉन्ग में क्या कैसे बना के लिखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो याद नहीं रहेगी, क्या पता है किसी एक में कोई एक ही मेथड याद आया, एक मेथड से हम दूसरा मेथड भी बना के लिख सकते हैं बस कुछ पॉइंट चेंज करके, ये तो करना होता है। आइए, मोहर मेथड क्या होता है, ये क्या होता है, एट द एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन डिटरमाइन बाय कॉम्प्लेक्स सॉरी एट द एंड पॉइंट डिटरमाइन बाय फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट। क्या हो रहा है, आज जो हम एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसमें मोहर मेथड में इसमें कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, कैसा प्रेसिपिटेट, कलर प्रेसिपिटेट, और इसको यूज टू डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन कर किया जाता है, हैलाइड आयन जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड, लेकिन सारे नहीं एक्सेप्ट आयोडाइड, इसे छोड़ दिया जाए। ओके, नेक्स्ट इंडिकेटर क्या जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर याद रखिएगा, K2CrO4 होता है, पोटेशियम क्रोमेट होता है, और एंड पॉइंट पे जो ब्रोमाइड होता है कंबाइन विथ Ag सिल्वर आयन के साथ और बनाता है रेड सिल्वर ब्रोमेट बनाता है, कलर भी याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन न्यूट्रल मीडियम, ये भी याद रखना है कि रिएक्शन किस मीडियम कराता है, न्यूट्रल मीडियम में। ओके, आगे देखते हैं वुलहार्ड मेथड, इसमें क्या होता है, एट द एंड पॉइंट पे क्या होता है, सॉल्युबल कलर्ड कंपाउंड बनता है इन दिस टाइट्रेशन, इस टाइट्रेशन क्या होता है, जो सिल्वर आयन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री HNO3 के साथ कंबाइन करता है विद द KSCN या NH4SCN का यूज करके। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना, फेरिक नाइट्रेट एंड फेरिक अमोनियम सल्फेट आयन या आयरन एलम भी होता है। एंड पॉइंट में क्या होता है, रेडिस ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, कलर मिलता है हमें, कलर मिलता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज कैरी डाउन एसिडिक मीडियम, बोलार्ड मेथड को हम किस में करेंगे, एसिडिक मीडियम में, और मोहर्स मेथड को न्यूट्रल मीडियम में, डिफरेंस जरूर याद रखना। फजान मेथड क्या होता है, एट द एंड पॉइंट कैसा कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है, पिंक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ओके, जो किस कैसा होता है, AgCl यही प्रेसिपिटेट बनाता है, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर के मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है, यूज टू डिटरमाइन किया जाता है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के यूज के लिए डिटरमाइन किया था, इसमें देखो आयोडाइड भी आ गया ना फजांत मेथड में, और इंडिकेटर इसमें फ्लोरसीन और ईओसीन डाई का यूज किया जाता है, तो डिफरेंस हो गया। अब चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मोहर्स मेथड, लेकिन अगर डिटेल डिस्कस करने से पहले आपको थ्योरी मतलब इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका प्रिंसिपल लिखना है, किसका इस प्रिंसिपल पर कैसे किया जाएगा, और उसकी मेथडोलॉजी लिखना। ओके, इतना हेडिंग जरूर डाल के ही चलना। ओके, तो चलो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं क्या कि दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन एंड पॉइंट, तीनों मेथड में यही एक ही बात लिखना कि तीनों एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट दिस मेथड वाज नेम्ड आफ्टर कार्ल फ्रीडर मोहर, क्योंकि मोहर ने दिया था इसलिए उनका नाम ही पड़ा मोहर्स मेथड। इन दिस मेथड एंड पॉइंट डिटरमाइन बाय फॉर्मेशन ऑफ, इसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट बनता है जिसकी वजह से हम एंड पॉइंट डिटरमाइन कर पाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, मोहर्स मेथड यूज टू डिटरमाइन हैलाइड आयन लाइक क्लोराइड ब्रोमाइड एक्सेप्ट, कौन सा था हमारा आयोडाइड। और जैसे एग्जांपल देख लिए, यहाँ पर NaCl को डिटरमाइन करते हैं, NaBr को डिटरमाइन करते हैं, KCl KBr को, KI को नहीं करते हैं। वी कैन नॉट डिटरमाइन द आयोडाइड आयन बाय मोहर्स मेथड, मोहर्स मेथड से हम आयोडाइड आयन को डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर बार में पूछ सकता है, क्योंकि आयोडाइड फॉर्म कलर्ड प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर आयन, क्योंकि आयोडाइड जो है सिल्वर आयन के साथ ही कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाएगा, सो वी विल नॉट डिटरमाइन एंड पॉइंट, जिसकी वजह से हम एंड पॉइंट डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए नहीं करते हैं। आगे अब इसमें देखिए, आगे इसमें जो ट्रेंड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड AgNO3 सॉल्यूशन यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं। बस देखिए सब में हेडिंग वही रखना है, बस वो लार्ड मेथड में आपको टाइट्रेंड बदल देना है, इंडिकेटर बदल देना है और सारी बातें वही लिखना है। एंड द एंड पॉइंट ब्रोमाइड आयन कंबाइन कर देता है Ag+ आयन के साथ और फॉर्म करता है स्प्रिंगली सॉल्युबल रेड कलर का ब्रोमेट बनाता है, सिल्वर ब्रोमेट, ये लिख देना। प्रिंसिपल बारे में बात करें तो इन दिस क्लोराइड आयन इज टाइट्रेटेड विथ, इसमें क्लोराइड आयन जो होता है उसको टाइट्रेट करते हैं AgNO3 के साथ और क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। ये हमारा सिल्वर क्लोराइड का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ओके नाउ क्या अब क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें ऐड करते हैं K2CrO4 को एज ए इंडिकेटर इन स्मॉल अमाउंट में। इस तरीके से आपको रिएक्शन दिखा देना है। आगे मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। मेथोडोलॉजी में आपको तीनों मतलब जितने भी हैं फजान ब्लाड उस समय ये वाला इमेज तो बना के आना, इमेज एग्जाम में समझ लीजिए आपको ये इमेज ही देखने वाला अपने सभी सभी कापी में, तो एग्जाम इमेज जरूर बना के आना। ओके तो मेथोडोलॉजी क्या होता है ना, इसमें क्या करते हैं टाइट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर NaCl बाई यूजिंग 0.1 मोलर AgNO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ K2CrO4 की मौजूदगी में टाइट्रेशन करवाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, AgNO3 विल बी एडेड फ्रॉम दी ब्यूरेट इन टू दी सॉल्यूशन कंटेनिंग NaCl एंड इंडिकेटर K2CrO4 डालते हैं। जो भी मतलब अभी वही इंट्रोडक्शन जो किए ना वही को मेथोडोलॉजी बना देना, कुछ अलग से नहीं करना। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, सबके अलग अलग KSP वैल्यू होती है ना, याद रहे कोई दिक्कत नहीं। कैसे वैल्यू AgCl कितनी होती है 1.7 × 10⁻¹⁰ होती है, Ag2CrO4 की 1.2 × 10⁻¹² होती है। एज पर KSP वैल्यू Ag2CrO4 शुड प्रेसिपिटेट आउट फर्स्ट, जिस KSP वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चीज़ें प्रेसिपिटेट होंगी। ओके एंड बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज वेरी मच हायर होता है CrO4 की तुलना में। और इन पॉइंट पे क्या होता है, क्लोराइड आयन विल रिएक्ट कर जाता है AgNO3 के साथ और बनाता है AgCl का प्रेसिपिटेट। अब तक यही तो हो रहा है कि क्लोराइड आयन AgNO3 के साथ कंबाइन करा AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा, और आफ्टर दैट क्या होता है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ AgNO3। अब जब हम एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ AgNO3 डालते हैं यहाँ से ऊपर से हम AgNO3 यहाँ पर इसमें डालते हैं ना, जो हमारा ब्यूरेट होता है AgNO3 अनली टू रिएक्ट विद क्रोमेट, और इस क्रोम इसके अंदर जो क्रोमेट होता है ना इसमें उसके साथ कंबाइन कर जाएगा एज इंडिकेटर एंड इट विल फॉर्म रेडिस ब्राउन PPT बनाएगा Ag2CrO4 का। और एट द एंड पॉइंट रीडिंग इज टेकन, और लास्ट में रीडिंग लेते हैं एंड क्लोराइड एंड कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। ये तो सिंपल था मेथोडोलॉजी था मोहर्स मेथड का। ओके आई होप समझ में आ गया होगा, आप लोग पढ़िएगा और इसको जरूर लिख के आइएगा। नेक्स्ट बुलार्ड मेथड में क्या करना है, बुलार्ड मेथड वही जो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट में जो चार्ट बनाया था उसी से इंट्रोडक्शन थ्योरी उठा लेना है, उसका प्रिंसिपल जो रिएक्शन है वो उसको लिख देना है, मेथोडोलॉजी लिख देना है, और ये सारा आपको इस तरीके से फिगर वही वाला बना देना है, और उसके इंडिकेटर जो दूसरा ऐसा नहीं बोला मोहर वाला मेथड इंडिकेटर वही डाल देना, वही तो चेंज करना है इंडिकेटर और जो भी चीज़ है सब कंपाउंड का नाम सब चेंज कर देने, बाकी सब वैसे लिख देने। ओके नेक्स्ट सेक्शन सी में आ जाते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, चलो देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आउटलाइन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस यूज इन फार्मास्यूटिकल। आउटलाइन का मतलब क्या समझते हैं, कहानी नहीं बनानी है, आउटलाइन मतलब एक बस हेडिंग जो भी होती है ना टेक्निक सबको हेडिंग लिखनी है, उसके बाद कुछ नहीं लिखना। तो देखो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं, पहला जैसे दो टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है और एक होता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे हम बात करें बायोमेट्रिक मेथड हो गया, स्पेशल एनालिसिस हो गया, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हो गया, और भी होती हैं, अभी आगे अगले पेज पर देखेंगे। पहले बायोमेट्रिक मेथड के बारे में जान लें, इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन देखते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन देखते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन देखते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन देखते हैं, स्पेक्ट्रल एनालिसिस में हम कलरोमेट्रिक बारे में पढ़ते हैं। ओके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप अभी 7वें सेमेस्टर पहुँचेंगे तो सब सारे पढ़ने, आपको IR भी पढ़ना रहेगा, NMR भी पढ़ना रहेगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री सब आएगा 7वें सेमेस्टर में, अभी यहाँ बस इंट्रोडक्शन ही है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में हमें 2 टाइप का होता है, एक प्लेनर होता है एक कॉलमनर होता है। प्लेनर में हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, TLC पढ़ना है, HPLC पढ़ना है,
और कॉलमनर में आपके गैस के बारे में पढ़ना, फ्लैश के बारे में पढ़ना, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड DCCC के बारे में, इस पर सबके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा चौथा है इंस्ट्रूमेंटल मेथड में इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, इसमें अलग अलग टाइप कंडक्टोमेट्री हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, वोल्टामेट्री हो गया, पोटेंशियोमेट्री हो गया, और जो हाइफनेटेड वॉल्यूम क्या होता है GCMS मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, LCNMR लिक्विड क्रोमेटोग्राफी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वाला हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग हाइफनेटेड वाले होते हैं। अदर मेथड में जैसे DSC हो गया, डिफ्रेंशिएटेड स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, TGA थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जेंडाल मेथड रिया रेडियो इम्यूनो एस्से होता है, एलिसा होता है। ये हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। अब देख लेते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या होते हैं। दो तरीके का होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है। बायोलॉजिकल में इन विट्रो मेथड होता है, एनिमल स्टडी होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे होता है, और केमिकल में बहुत सारे केमिकल टेस्ट हो जाते हैं। इतना चार्ट बना के बस लिख देना। नेक्स्ट जो सेक्शन सी का क्वेश्चन है, डिस्कस करना है वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड एंड बेस टाइट्रेशन के लिए, जो अलग अलग न्यूट्रलाइज कर्व होते हैं उसी कर्व को बना देना, उसके बारे में कुछ बातें लिख देनी। हो गया काफ़ी इतना। ए रिएक्शन इन विच आयन एसिड कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस का रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, साल्ट बनाता है न्यूट्रलाइजेशन करके, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कितने सारे रिएक्शन आपको पता होगा, जैसे HCl और NaOH स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस है, दोनों को रिएक्ट किया तो वाटर बन गया और साथ में साल्ट बन गया न्यूट्रलाइजेशन करके। तो यही तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज ऑब्टेन व्हेन pH प्लॉटेड अगेंस्ट परसेंटेज ऑफ द एसिड न्यूट्रलाइज या नंबर ऑफ मिलीमीटर ऑफ एल्कली एडेड, मतलब कितना एल्कली एडेड करते हैं, एक प्रकार का कर्व बनता जाता है साथ साथ, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। न्यूट्रलाइजेशन कर्व कैन बी प्लॉटेड बिटवीन द फॉलोइंग वेरिएबल्स, जैसे हम किसके बीच के बीच में प्लॉट कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में प्लॉट करते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में प्लॉट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बीच में प्लॉट करते हैं, और वीक एसिड और वीक बेस के बीच में प्लॉट करते हैं। इस चार तरीके से करते हैं। ये देखिए आपके सामने अलग अलग टाइप के ग्राफ है, ग्राफ सबका सेम ही रहता है, किसी का ऊपर कर देना किसी का कम कर देना है। ओके, बस याद रखना स्ट्रांग एज स्ट्रांग बेस ज़्यादा स्ट्रांग है तो ग्राफ इसका थोड़ा सा ऊपर उठ के आएगा। ओके, इस पहले वाली बात कर रहा, इस वाले में ये देखिए इसमें ग्राफ देखिए काफ़ी ऊपर से उठ के जा रहा, और अगर हमारा स्ट्रांग एसिड और वीक बेस है तो इसमें ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा कम कर देना, और वीक एसिड और वीक बेस दोनों वीक है तो नीचे वाला ग्राफ थोड़ा सा हाँ बड़ा रहेगा लेकिन ऊपर वाला कम ही रहेगा, और इसमें अगर वीक एसिड स्ट्रांग बेस है बेस वाले में आपके ग्राफ को ऊपर वाले को ऊपर करना है, अगर स्ट्रांग बेस कहता है अगर स्ट्रांग एसिड कहता है तो स्ट्रांग एसिड में तो आपका नीचे वाला भी ग्राफ नीचे थोड़ा सा बड़ा होके आएगा। इस तरीके से आप इस ग्राफ को थोड़ा बहुत कंपेयर करके बना देना बस। ओके, सबके बारे में देख लेते हैं। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस में क्या होता है, pH चेंज इज ड्यू टू दी वनली टू दी डायल्यूशन इफेक्ट की वजह से pH चेंज होता है, एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सम ऑफ द एसिड एंड बेस की वजह से, दी बोथ एसिड एंड बेस आर फुली डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड कैलकुलेशन इन्वॉल्व एसेसिंग द एक्चुअल एसिड और बेस कंसंट्रेशन बिफोर एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट के आने के बाद भी और आने के बाद भी ये मतलब होता है, और किस pH पे होता है, एट द pH 7.25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl को जब NaOH का रिएक्शन कराते हैं, HCl यहाँ पर क्या है स्ट्रांग एसिड है, NaOH क्या है यहाँ पर स्ट्रांग बेस है, इसकी रिएक्शन किया तो हमें साल्ट मिला और वाटर मिल गया। इस तरीके से हमारा एक कर्व इस रिएक्शन से मिलता है। नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस के केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है pH चेंज इज अप टू रीजन ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे जाके pH चेंज होता है ड्यू टू द डायल्यूशन इफेक्ट की वजह से, सब में डायल्यूशन इफेक्ट की वजह से ही होता है, एंड इसमें न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू बदलती है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड की वजह से एंड प्रोटोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कॉन्जुगेट बेस की वजह से। ओके, सब में यहाँ तक तो सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी, बस यही वाला बदलना है आपको, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड हो जाता है एंड प्रोटोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्जुगेट बेस की वजह से ऐसा कर मिलता है। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट, आफ्टर द इक्विवेलेंट पॉइंट द pH चेंज इज ड्यू टू ओनली द डायल्यूशन इफेक्ट ऑफ स्ट्रांग बेस। जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाता है, जब pH जो चेंज होता है वो केवल डायल्यूशन इफेक्ट ऑफ स्ट्रांग बेस की वजह से होता है। अगर पूछा जाए वीक एसिड और स्ट्रांग बेस में किसकी वजह से इक्विवेलेंट पॉइंट आता है तो स्ट्रांग बेस की वजह से। नेक्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट जो हमारा आएगा एट pH ग्रेटर देन 7 पे, वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पर देखिए हमने एक वीक
एसिड लिया है, CH3COOH, और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, रिएक्शन करा दिया। इस तरीके से आपको ग्राफ बना के इसके बारे में रिएक्शन दिखा के इतना लिख देना। नेक्स्ट जो यहाँ पर फिगर थोड़ा सा बड़े में बना के पेज को भी कवर करना, तो इसे मैंने बस यहाँ पर फिगर इसी नीचे दिखा दिया। आपको ऐसा नहीं करना, आपको टाइट्रेशन आप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लिख के उसके नीचे पूरी इसके डिस्क्रिप्शन लिखना, फिर डिस्क्रिप्शन के बाद में चार्ट को पुट करना। इससे आपको पेज भी बढ़ता जाएगा, पेज भरना तो ज़रूरी है। ओके, तो आपको कोशिश करना 20 से एबा भी पेज लिख के आने हैं, 22 के नीचे तो नहीं रहना। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, दी पीएच चेंज इन अप टू द रीजन ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट इज ड्यू टू द डायलेशन इफेक्ट की वजह से होता है। लेकिन किसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस की वजह से होता है एंड प्रोटोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक या कंजुगेट एसिड या साल्ट बेस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट द पीएच चेंज इज ड्यू टू द ओनली द डायलेशन इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की एसिड की वजह से होता है। ओके, और इसमें जो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है लेस देन 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए हमने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक वीक बेस लिया, रिएक्शन कराया। इस तरीके से आपको ग्राफ दिखा देना। नेक्स्ट टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का क्या करना, वही सेम द पीएच चेंज आर थ्रू आउट द ड्यू टू द डायलेशन इफेक्ट की वजह से होता है। इसमें न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रोटॉन अफिनिटी ऑफ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस के प्रोटॉन अफिनिटी की वजह से देखने को मिलता है। एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट में जो पीएच चेंज होता है ड्यू टू द ओनली डायरेक्शन इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बी एसिड की वजह से होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा पीएच लेस देन 7 पे ऑब्टेन होता है। ये देखिए रिएक्शन करा देना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस के साथ, और इस तरीके से रिएक्शन करके चार्ट को पुट कर देना, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन करो आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो देखो हमने एक चार्ट के रूप में आपको यहाँ पर समझा दिया, अब इसी को आपको कैसे लॉन्ग में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। क्या करना, आयोडोमेट्री आयोडोमेट्री हेडिंग डालना, उसका इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बारे में लिख देना कि इट इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग ऑन लाइट। ओके, इतना लिख देना। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग मेथड डालना, फिर तीसरी हेडिंग टाइट्रेशन एजेंट, फिर चौथी हेडिंग इंडिकेटर, पांचवी ड्राइवर रिएक्शन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एंड पॉइंट। इस तरीके से आपको एक दो पेज में तैयारी हो जाएगा, अच्छा 2 से 4 पेज इस तरीके से भर सकते हैं। लेकिन याद करने के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो देख लेते हैं। आयोडोमेट्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या, देखिए रिड्यूसिंग एनालाइट यूज करते हैं, और आयोडोमेट्री में ऑक्सीडाइजिंग एनालाइट होता है। मेथड क्या होता है, आयोडी डी, देखो आयोडी में डी आ रहा है ना, डी आई फॉर डायरेक्ट, तो इसका मेथड जो होता है डायरेक्ट आयोडोमेट्रिक मेथड कहलाता है, और आयोडो जो होता है इनडायरेक्ट होता है। ओके, अगर बात करें टाइट्रेटिंग एजेंट का, आयोडीन में हमारा आयोडीन फॉर आयोडीन यूज होता है टाइट्रेटिंग एजेंट द्वारा फॉर डिटरमाइनिंग द रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए, और आयोडोमेट्री में आयोडाइड ऐड किया जाता है टू ऑक्सीडाइज द एजेंट एंड लिबरेटेड आयोडाइड इज टाइट्रेटेड विद Na2S2O3 के साथ, इसको टाइट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर क्या यूज होता है आयोडोमेट्री में, एडेड एट द बिगनिंग ऑफ टाइट्रेशन, अरे सॉरी, इंडिकेटर को टाइट्रेशन के शुरुआत में ऐड कर देते हैं, आयोडो में एडेड नियर द एंड पॉइंट आने के बाद ऐड करते हैं, वो बिकम वेन ब्राउन कलर ऑफ द आयोडीन बिकम पेल, जब इस कलर का होता तब डालते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आयोडोमेट्री 1-स्टेप रिएक्शन होती है, आयोडोमेट्री आयोडोमेट्री जो होती है 2-स्टेप की रिएक्शन होती है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आयोडीन जो होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आयोडोमेट्री में आयोडीन होता है, आयोडोमेट्री में सोडियम थायोसल्फेट होता है, और एंड पॉइंट बात करें तो आयोडोमेट्री में परमानेंट ब्लू कलर अपीयर हो जाता है, और आयोडोमेट्री में डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर डिसअपीयरेंस हो जाता है। ओके, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बारे में बता दें कि क्या क्या और भी इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ के जाना है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि एक वीडियो में सारा तो नहीं हो सकता। ओके, तो आपको भी कोशिश करना जो इंपॉर्टेंट बताया उसको भी आप नोट्स बनाए होंगे उसको जरूर देख के जाइएगा। जैसे यूनिट वन में कुछ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन दिए हुए हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड का स्पेलिंग ऐसे कह लीजिएगा, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोकार्बोनियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। अब इन सब के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आपको प्रिपेयर करने हैं। अब करना क्या, सारे तो याद नहीं कर सकते, कोई एक याद कर लीजिएगा वो भी बेहतरीन तरीके से। ओके, और सबको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, याद एक करना, रीडिंग सबको मारना। अब देखिए एक याद रहेगा तो उसी को सब में हम लिख सकते हैं। ओके, मैंने जैसा कि बताया सारी कापियाँ पढ़ी नहीं जाती हैं, स्कैन होती हैं, बस पेज फिल हुआ है। कुछ ही एग्जामिनर होते हैं जो अच्छे से पढ़ देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ लिख के आएंगे तो अगर 7 नंबर है तो 3 से 4 तो मिल ही जाएगा। ओके,
तो ऐसे कुछ मतलब जैसे सारा तो नहीं हो सकता ना, इस मतलब एक तरीका बता रहा है, ऐसा अप्लाई नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो और जैसे किसी एक का प्रिपेयर करना, उसके डाटा आपको याद कर लेना, अगर डाटा याद है फिर गलत नहीं करना, फिर तो सही होना ही है। अगर जैसे अगर एक ही प्रिपेयर करते हैं बाकी का डाटा नहीं तैयार है, तो डाटा आपको रीड करके जाना है, इसलिए कर रहे हैं किसी एक को प्रिपेयर करो अच्छे से और सबके डाटा याद करो, बस सबके समय डाटा भरते जाना सबका जो डाटा हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट सेकेंड में क्या करना है, एस्टिमेशन कुछ पूछे जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन, एफेड्रिन क्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का एस्टिमेशन। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में जैसे सोडियम क्लोराइड का एस्टिमेशन दिया गया, MgH4 का, कैल्शियम ग्लूकोनेट का, अनबेरियम सल्फेट का, इन सबके जैसे बेरियम सल्फेट अभी इस पेपर में आया हुआ भी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि एस्टिमेशन एक पूछा जा सकता, क्यों ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना एक से डेढ़ पेज में इनके आंसर हो जाते हैं, क्योंकि जैक पर लिखना होता ना, कहानी तो बना नहीं रखते, इसलिए कह रहे हैं किसी एक को प्रिपेयर करो और उनके डाटा तैयार करो, सब में कंपेयर करके लिख सकते हैं। जैसे और इसमें क्या बात है, लिखने क्या तरीका है एस्टिमेशन को, सबसे पहले उसका प्रिंसिपल लिखना कि किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, और फिर इसका प्रोसीजर लिख देना। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलो जो हमारा एक दिया गया ना बेरियम सल्फेट, उसको देख लेते हैं कैसे लिखना है। चलो यहाँ बता दिया कि प्रिंसिपल में क्या लिखना है, इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अमाउंट ऑफ दिस सल्फेट इज एस्टिमेटेड, इसमें सल्फेट को लेते हैं, उसको एस्टिमेटेड करते हैं क्वान्टिटेटिवली एज बेरियम सल्फेट, उसको रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ एंड बेरियम क्लोराइड एंड H2SO4 के साथ। तो देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो BaSO4 का आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अब क्या करते हैं, नाउ प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिला हुआ, उसको फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं एंड फिर वे इसको वेट करते हैं एंड देन मास ऑफ बेरियम सल्फेट को कैलकुलेट करते हैं, ये प्रिंसिपल में लिख देना। नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करना है, 100 ml ऑफ बेरियम बेरियम आयन कंटेन नॉट मोर देन 0.15 ग्राम बेरियम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेसिपिटेट ऐड हाई टेम्परेचर प्रिवेंट करता है सुपर सेचुरेशन को, ऐड करना उसको लास्ट में, उसके बाद क्या करना, ऐड करना स्लाइट में थोड़ी मात्रा में एक्सेस ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 एंड स्लोली विद कांस्टेंट लगातार इसे स्टीर भी करते रहना। ओके, नेक्स्ट डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट द प्रेसिपिटेट ऑन द स्टीम बाथ अंटिल द प्रेसिपिटेट सेटल डाउन, उसके बाद हीट बाथ पे ले जाके प्रेसिपिटेट को सेटल डाउन करवाना है। नेक्स्ट वॉश द प्रेसिपिटेट विद द हॉट वाटर कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ H2SO4 साथ, उसको फिर हॉट करना है, ओके गर्म करना है उसके, उसके बाद ऐड करना है देन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अनटिल द एसिड रिमूव ना हो जाए, तब तक आपको उसे क्या करते रहना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में वाटर ऐड करते रहना है। फॉर द फिल्ट्रेशन ये वाट मैन फिल्टर पेपर होते हैं, अलग अलग टाइप के फिल्टर पेपर होते हैं, तो जो भी इसमें हो उसको यूज कर लेना है और उसके फनल पे लगा देना है एंड ड्राइंग एंड इग्नाइट एट, इसको ड्राइंग एंड इग्नाइट करते हैं 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड वे एज बेरियम सल्फेट एंड कैलकुलेट करते हैं कंसनट्रेशन बेरियम को इन बेरियम क्लोराइड बाय द फार्मूला MW/MD = A/H। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं लिखना क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट अब और जो यूनिट फिफ्थ में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है इस पेपर में उसको देख लेते हैं। तो जैसे पहले तो देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी, ये दो तीन क्वेश्चन है जो तो आपके पेपर में आने ही हैं और आए भी, अभी देखिए आगे। नेक्स्ट पोटेंशियोमेट्री में क्या पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना, आपने क्लास 11 ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, उसका फिगर भी याद होगा, वही सब इसमें लिखना है उसके बारे में किस किस पे क्या तौर पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है। और इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, कैलमर होता है, और इंडिकेटर में मेटल होता है और ग्लास होता है। सबके बारे में एक बार रीडिंग करके जाना, मान लो कुछ ना है तो इन सब के बारे में लिख तो सकते हैं ना, फिगर तो बना सकते हैं, ये सारे कर सकते हैं। पोलरोग्राफी क्या देखना, दो होते हैं, एक डीएमई एक आरपी। डीएमई क्या होता है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होता है, आरपी क्या होता है, रोटेटिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होता है। लिखने का तरीका क्या है, अगर कंडक्टोमेट्री पोटेंशियोमेट्री पोलरोग्राफी पूछता है, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर उसकी वर्किंग लिखना है, फिर इसका यूजेज लिखना है। इस सीक्वेंस में 4 पॉइंट उसके लिख के आपको आसानी से कवर हो जाएगा। तो सबके प्रिंसिपल आपको एक साथ चार्ट बना के कंपेयर कर लेना, फिर उसके सबको फिगर देख लेना, इमेज दिमाग में आ ही जाता कुछ ना कुछ। ओके, उसकी वर्किंग जो उसका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्किंग कर देना, यूज तो आपको पता होगा कहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एनालिसिस में सबका कॉमन यूज है। ओके, नेक्स्ट जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन सी का, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल एस्टिमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। नेक्स्ट पूछा गया ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए आ गया ना
कि इलेक्ट्रोकेमिकल का कंस्ट्रक्शन ड्रा करना और इसका डिस्क्राइब करना वर्किंग ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और स्टैंडर्ड कार्बन इलेक्ट्रोड, इसके वर्किंग को लिखना है। स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रा करना केमिकल का और वर्किंग लिखना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड इस वाले का। ये जो हमारा पोलरोग्राफी ना स्टैंडर्ड, हाँ ये वाला, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का और कैलोमल इलेक्ट्रोड का। ओके, तो इस तरीके से आपको सारे पेपर को अटेम्प्ट करके आने, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा कहानी भी नहीं बनाना। ओके, तो इसमें एक टू द एग्जैक्ट पॉइंट लिखना है और पेपर अच्छे से करके आइएगा। आई होप वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। Thank you so much and all the best for your exam.